अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मनोज जी, वाराणसी में एक अच्छी और बेहतरीन पहल करने जा रहे हैं आप लोग, क्या है वो और उसकी शुरुआत कब से करने की तैयारी है? ये एक, चूंकि अभी तक आपने देखा होगा वाराणसी में जो भी नावें चल रही हैं, ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन की क्रूड नावें हैं। इनमें दिक्कत ये है कि किसी भी टूरिस्ट को, जो वाराणसी में देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, किसी भी टूरिस्ट को अगर बोटिंग करना है तो ये नहीं, ये लकड़ी के पटरों वाली नाव में करना है। इनमें कोई भी स्टैंडर्ड एक सिस्टम मेंटेन नहीं है किसी भी तरीके का। तो ये देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों न यहाँ पे एक विश्व स्तरीय जो है क्रूज संचालन किया जाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और उन्होंने काफी प्रयास भी किया है वाराणसी के डेवलपमेंट के लिए, तो उसी से इंस्पायर होकर के हम लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी। इसमें सारी सुविधाएं हैं एक अच्छे जो कि क्रूज में होनी चाहिए, और इसको हम लोग शुरू करने का पूरा प्लान है कि 15 अगस्त से हम लोग इसको कमर्शियल लॉन्च कर दें। इसमें हम तीन तरीके के ऑपरेशंस करेंगे, एक सुबह बनारस, शाम को गंगा आरती, दोपहर में हमारा टारगेट होगा कि हम कॉरपोरेट मीटिंग्स, किटी पार्टीज या और शाम को गंगा आरती के बाद पार्टीज इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें एक और हम बेहतरीन चीज करने जा रहे हैं कि हम रुद्राभिषेक इसमें कराएंगे लोगों से। पूरे विश्व में जिसको भी धार्मिक अनुष्ठान काशी में करना है, उसके पास कोई भी एक विश्व स्तरीय सुविधा नहीं है कि वो रिलायबल तरीके से बुकिंग करा के आ सके, तो हम बीच गंगा में तैरते हुए क्रूज में रुद्राभिषेक का हमने पूरा इसमें इंतजाम किया हुआ है काशी के 11 विद्वान पंडितों के द्वारा। उसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ आएंगे, यहाँ सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी जिसमें कि वो रुद्राभिषेक कर सकें अपने। इसमें हमने एक स्पेशल फीचर अपने क्रूज में ऐड किया है कि कोई भी यात्री, कोई भी जिसको कि यहाँ रुद्राभिषेक करना है, अपने हाथ से गंगा से गंगा जल अपलिफ्ट करेगा और इस पर रुद्राभिषेक कर सकेगा। सर, एक सवाल ये उठता है कि क्या ये आम बजट में होगा? कितने लोगों के इसमें बैठने की सुविधा होगी और कितने देर का आप इसमें चीजें मुहैया कराएंगे लोगों को? देखिए, ये बिल्कुल आम लोगों के बजट में होगा। हमने जो अभी मॉर्निंग और इवनिंग क्रूजिंग, सुबह बनारस तो शाम को गंगा आरती का रेट रखा है, वो मात्र 750 रुपये प्लस GST रखा हुआ है, और इसमें दिए 2 घंटे की होगी क्रूजिंग। सुबह बनारस की जो क्रूजिंग है वो सनराइज के हिसाब से उसका टाइम चेंज होता रहेगा, और 15 मिनट पहले सनराइज के ये शुरू होगी और करीब करीब 1.5 घंटे के बाद सनराइज के ये समाप्त होगी। और सर, कितने लोगों की कैपेसिटी है? हमारी कैपेसिटी लोअर डेक में 60 व्यक्तियों की है, एयर कंडीशन जो नीचे लोअर डेक है हमारा उसमें 60 व्यक्तियों की है, अपर डेक में 30 व्यक्तियों की है। नहीं, भोजन की जो व्यवस्था है, जो हमारी जो सुबह और शाम की क्रूजिंग है उसमें चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक और कुकीज ये हम दे रहे हैं लोगों को। इसके अलावा उसमें पेंट्री है, ऊपर भी पेंट्री है, नीचे भी पेंट्री है, दोनों डेक में पेंट्री है। उसमें हम पार्टीज के समय में हम पूरा खाना प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए सर क्या बुकिंग रेट होगा पार्टीज वगैरह के लिए? पार्टीज का बुकिंग रेट आपको मैं अभी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, आप लॉन्चिंग 1 हफ्ता वेट करें, 1 हफ्ते के अंदर आपको पार्टी के रेट्स क्लियर हो जाए।